हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया है और थोड़ा सा अंगूर, तो इसका आज मैं बनाऊंगी चटनी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे टमाटर को मैंने काट लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा साबुत मैंने मसाला लिया है। यहाँ पे है धनिया, जीरा, सौंफ और पाँच फोरन जिसको कहते हैं, और एक सूखा मिर्च। तो इसको कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद ये जो मसाला है इसको पीस लेंगे। तो गाइस, मेरा तो मन बहुत ख़राब है, वीडियो ये वाला जो वीडियो है बहुत दिन पहले कहा था, और मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत ख़राब था इसीलिए मुझे पता भी नहीं था कि वीडियो कैसे डाल के पता चला आप लोगों को। तो हस्बैंड का तो डेथ हो चुका है, मन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मतलब जीना तो पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। तो मन का जितना भी तकलीफ है वो मन के अंदर रख के मैं मतलब क्या करूँ, जी रही हूँ और क्या करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला था, उसमें टमाटर और ये जो अंगूर है मैंने डाल दिया। इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल रही हूँ, तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए किशमिश है और खजूर और आम सब तो कहते हैं ना वो, तो ये सब कुछ मैंने ले लिया है, तो ये इसमें डाल दूँगी। और ये जो टमाटर है ना, इससे अचानक मतलब पानी निकल आया है, मैंने पानी नहीं डाला, तो ये पानी सूख जाएगा ना, तो ये चटनी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग तो बंगाली हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा चटनी खाते हैं, मीठा चटनी, और ये मतलब खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये वीडियो आज का नहीं है लेकिन कुछ दिन पहले का है, तो मेरे हस्बैंड जब थे तब हस्बैंड ने ये वीडियो लिया था, और अभी तो मुझे अकेला सब कुछ करना पड़ रहा है। अभी देखिए गाइस, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चीनी, और चीनी डालने के बाद इससे थोड़ा सा और पानी निकल के आएगा, तो ये पानी जो है ये सुखाना पड़ेगा। तो ये खाने में बहुत बहुत सुंदर है, बहुत टेस्टी है, आप लोग बना के देखिएगा। बंगाली चटनी है, बहुत सुंदर है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। ये देखिए मसाला को मैंने देखिए पीस लिया है, और अभी देखिए इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ। ये वाला मसाले का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही मतलब चटनी से बहुत ही सुंदर फ्लेवर आता है। तो देखिए चटनी रेडी है खाने के लिए। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बाय बाय गाइस, आप सब लोग अच्छे से रहें।